दबा दबा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के बारे में और इसमें जो फाउंडेशन होता है उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल से। ये पाइल, इस वीडियो में पाइल के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चल के पाइल हो गया, दूसरा हो गया डायफ्राम वॉल, डायफ्राम वॉल और तीसरा हो गया वेल फाउंडेशन। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। आइए स्टार्टिंग करते हैं पाइल से। दोस्तों, ये पाइल जो है वो बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग में और ब्रिजेस में यूज किया जाता है। इसको जैसे कि आप सपोज देखिए कि ये मिट्टी है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो अगर ऊपर कोई स्ट्रक्चर, हमें ये स्ट्रक्चर है और ये अगर हमें बनाना होगा तो जो इसका वेट होगा, अगर वो ये कैरी नहीं कर पाएगा तो इसके में फेलियर होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉइल टेस्ट करा के और उसमें देखते हैं कि किस डेप्थ पे जाने के बाद हमें एक ऐसा सरफेस मिले जो ये पूरा लोड उस पर बियर कर जाए इजिली। जनरली इसको हम लोग इस डेप्थ तक रीच करते हैं और इस डेप्थ में हम लोग कंक्रीट और स्टील का केज और कंक्रीट डाल के इसको एक पाइल का रूप में स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको एक सब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। पाइल जनरली सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। सुपर स्ट्रक्चर जो ब्रिज के ऊपर पोर्शन होते हैं उन्हें सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, और जो इन साइड द ग्राउंड और ऑन सरफेस ऑफ ग्राउंड होते हैं उनको सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखिए, पाइल जो होता है वो बेसिकली पहला मेथड ये होता है इसका, डीएमसी मेथड। ये पहले भी होता था और अभी भी होता है, ये ओल्ड मेथड है। अभी दूसरा जो चलन में है वो होता है रोटरी मेथड, रोटरी मेथड। इसमें क्या होता है कि आजकल नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई हैं, हाइड्रोलिक मशीन आ गई हैं, जिनसे एक बार में जितना हमें डेप्थ तक पहुंचना होता है इजिली सॉइल में पहुंच सकते हैं, रॉक भी कटिंग कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम लगता है। डीएमसी मेथड में जनरली पहले क्या होता था कि विंच सेटअप रहता था ऐसे, ये हमारी विंच मशीन हो गई, ऐसे ट्राइपोड लगता था और इस ट्राइपोड के बाद यहाँ ये जो पाइल सेंटर है इस पर हम लोग सीजल से इसमें डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड रहता था और सीजल पटक पटक के इसमें हम लोग कीचड़ बनाते थे और एक पाइडनी के पाइपलाइन जाता था जिससे ये मड सर्कुलेट होकर बाहर आते थे। इस मेथड को हम लोग बोलते थे डीएमसी मेथड। अब ये बहुत पुरानी मेथड है बट अभी कल पैसे ही कम खर्च करने पड़ते हैं, इसके लिए ये चीज़ भी अभी यूज में है और जहाँ पे वैसी अरेंजमेंट्स नहीं है मशीन लगने का वहाँ पे ये काम हम लोग इसे करते हैं। जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आज देखेंगे वो होगा अपना रोटरी ड्रिलिंग मेथड से। अब पाइल करने से पहले हमें करना क्या होता है, पाइल करने से पहले हमें सबसे पहले उसका एसपीटी होना चाहिए। किसी भी जहाँ जिस एरिया पे पाइल करना होगा वहाँ पे सॉइल का पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है, जिसके से पता चलता है कि उस सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी आएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा पाइल का साइज डिपेंड करता है। जनरली जो हमारा पाइल का साइज डायामीटर होता है वो होता है 150 mm से 1200 mm। ये इन प्रैक्टिस है, इंडिया में ये होते हैं, कहीं कहीं 2 मीटर का भी पाइल होता है बट ऑफ रेयरेस्ट केस में ये चीज एग्जीक्यूट किया जाता है। जनरली हमारा होता है 400 का, 600 का और 750 का, उसके बाद 1000 का और 1100 का, 1200 का और 1500 का। ये जो हैं ये साइजें ऐसी हैं कि ये जो हमेशा की जाती हैं ऑन साइट पे। ब्रिज में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 750 से अबव, इट मीन्स 1000, 1100, 1200 और 1500, यही 3-4 डाया की पाइलें होती हैं और ये जो होती हैं वो बिल्डिंग में ज़्यादा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि पाइल करने का तरीका क्या होता है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, बोरिंग करने टाइम कौन से मटेरियल डाला जाता है ताकि सॉइल कोलैप्स ना हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने पास है। देखिए, पहले क्या टाइम में क्या था
कि अपने पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो हम लोग एक बेंटोनाइट यूज करते थे। ये एक टाइप का स्वाइली होता था जिसमें सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट होता था। इसको डाल के हम लोग बोर में और मतलब इसको पहले टैंक में मिक्सिंग करते थे, उसके बाद इसको पाइपलाइन के थ्रू बोर में डालते थे और इसके सपोर्ट से हम लोग सॉइल कोलैप्सिंग को रोक सकते थे। दूसरा अभी आज के डेट में आया है पॉलीमर। ये जो है जनरली ये क्या होता है, रिसाइकल नहीं होता है और ये रिसाइकल हो जाता है इजीली। ये मतलब मोर देन वन टाइम इसको यूज कर सकते हैं, इसको मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं, बट 2 और 3 टाइम्स के बाद इसको हम लोग वेस्ट मानते हैं और ये फेंकना पड़ जाता है। एक्चुअली में इसके सैंड कंटेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसके कारण इसको फेंकना पड़ता है। अभी हम लोग ये भी आगे वीडियो में सीखेंगे अपना कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे एक पाइल हो गया, ये सपोज डेट हमारा, ये अगर सॉरी ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा अगर पाइल है, तो इस पाइल को बोरिंग करते टाइम इसमें जो जो मैं ये लिक्विड फॉर्म रहता है जो, वो ये ही दोनों रहता है, या तो बेंटोनाइट होता है उसमें या तो पॉलीमर होता है। अभी क्या आता है कि इस पॉलीमर और बेंटोनाइट जो साइड पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसमें और क्यों ये टेस्ट करना जरूरी है। जब एक सिविल इंजीनियर साइट पे जाता है तो उसको ये सब चीज़ों की पहले से जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो जानकारी नहीं उसके पास रहेगा तो उसको जो सब कॉन्ट्रेक्टर हैं उसको थोड़ा उसमें मैनिपुलेट करने का चांसेस बढ़ा देते हैं। तो वो मैनिपुलेट करते भी हैं, बढ़ाने का क्या है, वो आप इंडिया है, सब चीज़ पॉसिबल है इस टेन ईयर में। पाउस कर।